अब हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है। जो लोग सेवाएं दे रहे हैं और जो लोग सेवाएं ले रहे हैं इस कैंप की, फ्री आई कैंप की, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष सेठी। कहाँ से हो सर आप डॉक्टर? सर दिल्ली से। आप दिल्ली से एक डॉक्टर हो, यहाँ पे आए हो आई कैंप में? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं तो पिछले 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे हमें मरीजों की वार्ड में सेवा करते हैं, उनका चेकअप करते हैं। बहुत गांव से दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, किसी को शुगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो आंखें भी चेक कराते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, फिर उनका ऑपरेशन होता है। तो यहाँ बहुत गरीब आदमी आते हैं तो हमारे को खुशी होती है आते हुए। वैसे भी कभी हम डेरे में आते हैं मगर इस टाइम हम सेवा करने के लिए ज़रूर आते हैं। मिलना का जो गुरुजी देते हैं, जो मन का सुकून है, वो जो मिलता है वो बताया नहीं जा सकता क्या मिलता है। किसी चीज़ की गुरुजी ने कमी भी नहीं छोड़ी हुई है। सेवा करना तो मानवता का हमारा फर्ज है कि मानव की सेवा करनी चाहिए। वो गरीब आदमियों के लिए इनकी कौन करेगा फिर? जब जैसे गुरुजी ये कैंप लगाते हैं, इनके ऑपरेशन कराते हैं, इनको इवन लेंस तक फ्री डाल जाते हैं, चश्मे तक दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, और हम जब इनसे मिलते हैं तो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी इतनी घर में नहीं सेवा होती जो आप इतना हमारी सेवा करते हो। हर साल 2,500-3,000 जेंट्स से मिला के 2,500-3,000 तक ऑपरेशन होते एवरेज। तो पहले तो ये ओपन में होते थे, हॉल में बना लेते हैं ऑपरेशन थिएटर, अब तो ये हॉस्पिटल में प्रॉपर है, ओटी में ऑपरेशन होते हैं। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, एम्स से भी आते हैं, दिल्ली के और पंजाब से अलग अलग सर्जन आते हैं, वो चेकअप करते हैं और ऑपरेट करते हैं। मशीनें किस तरह की यूज़ की जाती हैं इन सब के लिए? मॉडर्न है, न्यू टेक्निक की मशीनें यूज़ की जाती हैं, जो कि सिरसा हॉस्पिटल में तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं और ऐसे ऐसे जो कि शायद हरियाणा या दिल्ली में भी कई जगह पर ना हों, ऐसी ऐसी मशीनें टेक्निक यूज़ करते हैं। एम्स के भी डॉक्टर यहाँ पर आके ऑपरेट करते हैं। उनका ये कि रहना, इनका खाना पीना सब कुछ, इवन उनके एक महीने के बाद में मेडिसिन भी साथ दे दी जाती है, मेडिसिन के साथ साथ, और उनके एंक भी दी जाती है, और फिर फॉलोअप चेकअप कराने के उनको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, प्रॉपर आप दोबारा फिर आ सकते हैं देखने। ये कहना है बड़ा मुश्किल है मगर जो करना है बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। कैंप लग रहा है जी, कोई नहीं आ रहा। अब किसी पेशेंट से पूछो, गरीब आदमी से, वो तो कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे भी देख पाऊँगा और मेरी आँखें ऐसे वापस आ जाएंगी। और फिर वो बेचारे इतने खुश होते हैं, कहते हैं हम तो नई दुनिया में पहुंच गए। इसके साथ साथ वो पीछे तो ब्लड बैंक भी लगाते रहे साथ साथ, और ब्लड भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है किसी नीडी बंदा हो तो, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर थे जिन्होंने इस कैंप के बारे में हमें जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि किस तरह मॉडर्न टेक्निक की जो मशीनें हैं जहां फ्री पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, बिल्कुल गरीब पेशेंट यहां पे आते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी देख भी पाऊँगा इस दुनिया को, वो भी यहां पर आते हैं और अपनी रोशनी लेके, आँखों की रोशनी लेके वापस घर जाते हैं, खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। किस तरह गुरुजी ने कितने लोगों को आंखों की रोशनी दी है डेरा सच्चा सौदा में, जो हर साल ये कैंप लगाया जाता है।